भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का भव्य आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व विधानसभा के सुंदर नगर में 16 अप्रैल रविवार के दिन बौद्धजन पंचायत समिति शाखा क्रमांक 413 द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के शुरुआत में छोटे बच्चों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता रखी गई। दोपहर में मेडिकल कैंप लगाया गया। शाम को प्रवचन, विशिष्ट अतिथियों के सत्कार के साथ साथ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो वहीं कई समाज सेवक संस्था से जुड़े लोग, यही नहीं कई राजनीतिक पार्टियों से भी लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर की दर्शन किए और उनके द्वारा निर्मित संविधान के बारे में भी लोगों को बताया और उस पथ पर चलने की संकल्पना की, जहां पर आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। और पूरे विश्व में मनाई जाती है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं। डॉक्टर बाबा साहब को आज उनकी क्या काबिलियत है, पूरे दुनिया ने जाना है कि बाबा साहब की क्या काबिलियत थी, और पूरा वर्ल्ड उनको जो मानता है। और उसी तरह हर गली कूचे में छोटे से छोटे कार्यक्रम हो या बड़े कार्यक्रम हो, बाबा साहब के कार्यक्रम आए। ये सब जो हमारे यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स है, यहाँ के समाज सेवक है, उन्होंने कार्यक्रम मुझे आते आते जब बताया कि सुबह मेडिकल कैंप लिया गया था, जो मेडिकल कैंप होता है गरीब बस्ती में, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। आज लोगों को मुफ्त में चिकित्सा मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय वही आज की तारीख में चिकित्सा का विषय, इसलिए सरकारें भी इसके ऊपर कोई ना कोई योजनाएँ लाती है कि ताकि लोगों का इलाज मुफ्त में हो और गरीब लोगों को उसका फ़ायदा हो। वो एक इतनी बड़ी सोच को एक छोटे से बस्ती के लोगों ने भी यहाँ पर उसको अंजाम दिया और यहाँ पर मेडिकल कैंप लिया, इसके लिए मैं उनका सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर छोटे बच्चों का जो टैलेंट, बड़े बड़े जो डांसर निकले हैं वो ऐसे गरीब बस्ती से निकले, सिर्फ उनको निखारने की ज़रूरत होती और उन्हें निखारने के लिए यहाँ पर भी बच्चों का डांस रखा गया था और उसमें अभी इनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बुद्धजन पंचायत समिति शाखा क्रमांक 4, शाखा क्रमांक 413 या शाखेच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त 132वी जी जयंती आहे त्यानिमित्त सकाळी आज चित्रकला स्पर्धा आणि आरोग्य शिबिर जे भरवलं गेलं त्याकरता जो लोकांचा प्रतिसाद होता तो आज संध्याकाळी, आत्ता मी आले तरी मला खूप छानपैकी दिसला, त्यामध्ये महिलांचा सहभाग होता आणि आत्ता फक्त जे पारितोषिक वितरण होतं त्याचकरता मला बोलवण्यात आलं होतं। आणि त्यात सगळ्या समितीचे जे पदाधिकारी म्हणता किंवा जे सदस्य असतील त्यांनीही मोलाचं योगदान दिलं आहे आणि सगळ्यात आमचे जे उपशाखा प्रमुख आहेत उत्तम शिंदेजी, तेही म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी तर झटतात पण आजही त्यांचा उत्साह तसाच आहे, तर त्यांचे आणि सगळ्यांचेच मी धन्यवाद मानते आणि जय भीम जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम ये गौरव क्षण है, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती निमित्त जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे मेडिकल कैंप रामभाव ने बताया हमको, जैसे कि मेडिकल कैंप है, बच्चों की चित्रकला स्पर्धा है और भी संगीत वगैरह भी हो सकता है, काफ़ी कुछ कार्यक्रम इन्होंने लिया है और निरंतर लेते रहते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सुंदरनगर में आते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक भारत का लगभग सभी धर्म यहाँ निवास करता है और इतना सुंदर से सारे कार्यक्रम सुंदरनगर में, सुंदरनगर का कार्यक्रम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कुछ कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, मेडिकल में भी लोगों ने लाभ लिया है और बच्चे लोग ऐसे स्पर्धा में आगे बढ़ें और जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना संस्था के लिए हम लोग साथ में लगते हैं और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस संस्था का। आप इसके अलावा कि आप हमेशा इन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं,
कई कार्यक्रमों में देखा गया कि आप सहयोग करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुंदर नगर ही नहीं, हम शुरुआत मेरी यहाँ से जरूर है, लेकिन पूरे अंधेरी के अंदर कहीं पर भी ऐसा कुछ रहता है तो भाऊ हम लोग संपर्क में रहते हैं। कहीं पर भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो या जैसा भी हो, मेन उद्देश्य है बाबा साहब का संदेश लोगों के घर घर तक जाना चाहिए। और मेरी तो सरकार से निवेदन भी है कि अध्ययन के अंदर जो हम लोग स्कूल के अंदर विषय पढ़ते हैं उसमें एक सब्जेक्ट संविधान के ऊपर लोगों को बताएँ, ताकि आने वाले समय में कोई क्रिमिनल ना बने, कोई संविधान की अवहेलना ना कर पाए, नियम से रहे। संविधान हमको यही सिखाता है। विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। आम्बेडकर जी ने जो संविधान भारत को दिया है उसी संविधान के ऊपर भारत के सभी नागरिक चलते हैं। मैं इस मुंबई के रहवासियों को आम्बेडकर जयंती की शुभेच्छा देता हूं, और संविधान का रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उत्तम, देश के लिए भविष्य के लिए अच्छा संविधान है। आज या ठिकाणी आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांची 132वी जयंती साजरी होत आहे आमच्या सुंदरनगरमध्ये, आणि खरोखरच ही साजरी होताना की एक जातीभेद आणि जाती धर्मामध्ये जी तेढ होती, ही जी निर्माण होते आणि त्याच्यामध्ये जे वादविवाद होतात, हे याच्या मुलं ह्या उत्सवामुळे हे निर्माण होत नसा, आपण सर्व एकत्र मिळून याच्यामध्ये या उत्सवामध्ये आपण एकत्र सर्व जातपात विसरून एकत्र आपण सर्व कामं करतो आणि एकत्र राहत असतो। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनकी 132वीं जयंती के निमित्त मैं तमाम दुनिया के उनके अनुयायी और भारतीय नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन्होंने जो संदेश पूरे जग को दिया है, शिका आणि संघटितवा, इसका तंतोतंत पालन करके बहुत बड़े पैमाने पे हमको उनके विचार आगे लेके जाना है, उनके सिद्धांतों पे चलना है। और जो स्वातंत्र हमको दिया है वो स्वातंत्र डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनके वजह से हमको मिला है, उसका हमको परिपूर्ण लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करते हुए देश के विकास के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। आज के दिन मैं वापस सभी हमारी तमाम जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 132वीं जयंती जो है उसके निमित्त सिर्फ हम लोग इतना बोलना चाहेंगे, जय श्री राम, जय भीम। इस कार्यक्रम से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम इस पद पे हमारे जो टीम है, मतलब जैसे कि हमारे बौद्धजन पंचायत समिति शाखा क्रमांक 413 इस शाखे के हमारे पूरे भी पदाधिकारी है। इस पदाधिकारी ने हमारे 2016 से हम लोग ने यहाँ पर भी छोटा मोटा कार्यक्रम शुरू किया और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हुए। आगे भी हमारे जो पदाधिकारी है इनको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को अच्छी शिक्षा के बारे में हम लोग उनको अच्छे अच्छे उपक्रम करते रहेंगे, महिला के लिए भी कुछ करते रहेंगे, जैसे कि आज मेडिकल का एक ट्रीटमेंट हुआ था और बच्चों के लिए जो हुआ था। तो हमारे से बाबा साहब ने देश के लिए बहुत सारा किया है, हम तो उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना से तनिक भी मतलब हमसे अगर कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा उनके से कुछ तो सेवा किया ऐसा मैं समझता हूँ। और आपके कार्यक्रम में कई सारे यहाँ पे कई सारे पार्टियों के नेता भी आए, समाजसेवी भी आए, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आके हमारे जो उनके जो चरण यहाँ हमारे कार्यक्रम में स्पर्श किए, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत सच्चे दिल से हमारे बहुजन पंचायत समिति शाखा क्रमांक 413 से उनका सहित दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। ये देखो आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती है और यह जयंती के निमित्त हम लोग बहुजन पंचायत शाखा नंबर 413 के सब कार्यकर्ते और यहाँ के रहवासी सब पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और सब जितने भी पार्टी है, इधर का जितना भी समाज है,
वो सब समाज हम लोगों को सहयोग करता है। यही बड़ी मेजॉरिटी हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पीछे सब पूरा पूरा इधर के पूरा समाज है। और हम लोगों के जो कार्यकर्ते हैं दीपक यादव, दिलीप यादव, ये शिंदे, ये सब जो कार्यकर्ते हैं और हमारे बाकी के जो कार्यकर्ते हैं, ये भी सब जयंती में जुड़े हुए रहते हैं। महिला मंडल भी सुबह से लेकर अभी तक बच्चे के साथ में यहाँ जुड़े हैं और ये कार्यक्रम में शोभा लाने के लिए और अंबेडकर का जो विचार है वो विचार आगे लेके जाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। यही हम लोगों का शुभकामना है। और आज के जयंती के निमित्त से हम लोग सब पूरे देशवासियों को भी धन्यवाद देते हैं और इधर के रहवासी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ तक सहयोग दिए। जय भीम। हमारे यहाँ पे आके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसके लिए सब आके बहुत सारा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए। और सुबह से लेकर शाम तक सब महिलाएं और बच्चे लोग ने जो हम लोग को एक सपोर्ट किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांची 132वी जयंती ते साजरी करताना आम्हाला खूप आनंदच होत आहे। बाबासाहेबांचे अनुयायी असल्यामुळे आणि सगळे जेवढे महान मानव आहेत त्यांचे सगळ्यांचे विचारधारणा ह्या जयंतीच्या माध्यमातूनच निघतात। आणि इथे बहुजन पंचायत समिती शाखा क्रमांक 413 या शाखेने जी आयोजित केलेली जयंती आहे ही सर्वस्व विस्मरणीय असणार आहे। आणि हे वर्षानुवर्षे हे चालूच राहतं आमचं काम। सगळ्यात प्रथम तर मी संपूर्ण भारत देशवासियांना आजच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांना मी विनम्र अभिवादन करतो। आणि आजचा जो आम्ही हा कार्यक्रम घेतलेला, हा कार्यक्रम नसून हा लोकांपर्यंत एक मेसेज आहे की बौद्धजन पंचायत समितीच्या शाखा क्रमांक 413च्या माध्यमातून आम्ही कॅम्प घेतला, जो मेडिकल कॅम्प घेतला, आणि त्याचबरोबर लहान मुलांसाठी आम्ही विविध कार्यक्रम घेतले। आणि असेच कार्यक्रम आम्ही आमचा सर्व धर्म वाढवायचा नाही तर आम्ही त्याचा प्रसार करत आहोत। आणि हा प्रसार जोपर्यंत आमचा तो छंद हेच राहणार आहे, उद्दिष्टच राहणार, जोपर्यंत हा पूर्ण अंधेरी विभागामध्ये आम्ही पोहोचत नाही तोपर्यंत आमचे असेच कार्यक्रम सतत कार्यक्रम चालूच राहणार। माता रमाई, माता भीमाई, भगवान गौतमबुद्ध यांच्या सगळ्या जयंत्या आम्ही सगळ्या उत्साहात साजरी करू। आणि मला बौद्धजन पंचायत समिती शाखा क्रमांक 413च्या जयंती कमिटीच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे की एवढा मोठा मला संधी मिळून दिली, प्लॅटफॉर्म मिळून दिला, त्या बौद्धजन पंचायत शाखा क्रमांक 413चा मी मनपूर्वक आभारी आहे। आणि तुम्ही सगळ्या लोकांनी मला चांगल्या प्रकारे सहकार्य केला, त्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मित्रांचा मनपूर्वक आभारी आहे। नमोबुदाय जय भीम। मैं मेरे माता पिताजी की एक याद बाबा से जुड़ी हुआ आपको बता देता हूँ। 7 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का पार्थिव चैत्य में भी रखा गया था, उस टाइम भी 5 लाख लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। उस टाइम मेरे पिताजी, माताजी, दादाश्री और बड़े भाई जनार्दन और 4 साल की मंदा भगिनी थी। लेकिन दुखद ये हो गया कि मेरी भगिनी 4 साल की उसमें वो लापता महासागर में गुम हो गई। वो गम भुला कर मेरे माता पिता ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की और बुद्ध धम्म महिमा बाबा साहब का इतना महिमा आगा था कि मेरी वो खोई हुई बहन 4 साल की भगिनी रात को 9 बजे सुखरूप मिली। और वही उसी परिवार का कासारी परिवार का आज मैं सुबह ही आके बौद्धाचार्य बन गया हूँ और धम्म संस्कार विधि सुबह किया और आज आपको इंटरव्यू दे रहा है। 132वीं धम्म बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही हम लोग सुंदरनगर की ये मिनी इंडिया है, मुझे गौरव है कि मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ और ये दूसरा साल इधर हो रहा है बौद्धजन शाखा पंचायत समिति। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपका भी सबका कीमती होता है। मेरे प्रिय दोस्त मनोज नायक साहब भी आए, सभी का आपका मंगल हो, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। सर्वप्रथम सर्वांना सस्नेह जय महाराष्ट्र जय भीम। आज या ठिकाणी आज आम्हाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी, आज आमचे दिलीपजी आणि विजयजी पुमेंडकर साहेब उपविभाग अध्यक्ष यांनी आग्रहाने या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीसाठी बोलवलं। आणि या ठिकाणी जो आज महामानव ज्ञानसूर्य आणि शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा जो ज्ञानाचा बोध देणारे आज आमचे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती उत्साहात साजरी होत आहे, खूप आनंद होतो आहे। तसेच या सर्वांना या जयंतीच्या निमित्ताने सर्व बांधवांना, भगिनींना, मातांना खूप खूप हार्दिक मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आज आपण 132वी जयंती साजरी करतो आहे। 132वी जयंती साजरी करताना
आज अपन सर्वप्रथम जे सर्व राजकारणी लोक आहेत त्या राजकारणी लोक सर्वप्रथम आपण जे आपण संबोधतो की छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव सर्वप्रथम घेतो तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आज आपण जयंती साजरी करतो आहे. मुळात मला फक्त आपल्या सर्व या बौद्धजनांना मला एवढं सांगायचं आहे की आपण जी 132वी जयंती आज साजरी करतो आहे त्याचं एक कसं ते साजरी करताना आपण जे 350 वर्षापूर्व 350 वर्षाचा जर इतिहास पाहिला त्या इतिहासाचा असा हेतू आहे की पहिला 1671 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्यानंतर बराच काळ लोटला गेला 365 वर्ष आज होत आली ते होत असताना बऱ्याच लोक त्यांनी आपल्या जीवनाची आहुती दिली ह्या सर्व देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी वगैरे आणि बऱ्याच इतिहास त्यांचा नोंद झालेला आहे. म्हणजे बऱ्याच लोकांचा काळ लोटला गेला तरी पण त्या लोकांचं नाव न घेता आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतरची जे आज नाव आपण घेतो ते सन्माननीय आपले विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा घेतो. असंच यांचं नाव घेण्याचं कारण एवढं की यांची एवढी महान व्यक्ती आहे की यांचं आपण नाव घेतल्याच्या नंतर जे आपल्याला काम करण्यामध्ये उत्स्फूर्त आपल्याला उत्साह निर्माण होतो असेच आपण सर्व तुम्ही एकत्र राहाल आणि उत्सव हा उत्सव जसं आमचे विभागाध्यक्ष बोलले की हा आपला सण नसून हा आपला उत्सव हे कार्यक्रम नसून हा आपला उत्सव आहे. या उत्सवाच्या माध्यमातून आपण सर्व एकत्र आलात त्याबद्दल मी तुम्हाला तुमच्या सर्व बौद्धजन 413 शाखातर्फे आता शाखेला आपल्याला एक विनंती करतो की आपण सर्वांनी एकत्र राहा आणि असंच कार्यक्रम मोठ्या उपसंख्येने उपस्थित करा साजरी करा.